अजय नंदाज केमिस्ट्री वर्ल्ड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय कुमार नंदा, लेक्चरर केमिस्ट्री, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बदारन, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, आप सभी का आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल में लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिसे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, और हम कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, कॉपी पेंसिल साथ रखें, जहां आवश्यकता हो नोट्स लेते रहें। चलिए बात करते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल की। हमने पढ़ा था कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, इसमें देयर आर 18 ग्रुप्स। ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, दे आर कॉल्ड ग्रुप्स। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 एंड सो ऑन अप टू 18। देयर आर 18 ग्रुप्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, दे आर कॉल्ड पीरियड्स। ये फर्स्ट पीरियड है हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये सेकंड पीरियड है, इट इज द थर्ड पीरियड। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, दे आर कॉल्ड पीरियड्स। जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, दे आर कॉल्ड ग्रुप्स, उनको ग्रुप्स बोलते हैं। देर आर 18 ग्रुप्स, 18 ग्रुप हैं, एंड देर आर 7 पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं? 18। कितने पीरियड्स हैं? 7। जो पहला पीरियड है उसमें सिर्फ दो एलिमेंट हैं, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम, इट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट पीरियड। पहले में सिर्फ दो एलिमेंट है, इसको शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं। सेकेंड ग्रुप कंटेन्स 8 एलिमेंट्स, उसमें 8 एलिमेंट हैं, लिथियम से लेके नियॉन तक, इट इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। थर्ड पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट्स, ये भी शॉर्ट है। फोर्थ, इट कंटेन्स 18 एलिमेंट्स फ्रॉम पोटाशियम टू क्रिप्टॉन, इसको लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। फिफ्थ पीरियड 18 एलिमेंट्स, लॉन्ग पीरियड। सिक्स्थ, लॉन्गेस्ट पीरियड, इट कंटेन्स 32 एलिमेंट्स। और सेवन्थ अभी इनकम्प्लीट है, अभी कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी इसमें चल रही है। इन नटशेल हम कह सकते हैं पहला पीरियड शॉर्टेस्ट है, सेकंड और थर्ड दे आर शॉर्ट पीरियड, दे कंटेन 8 एलिमेंट्स ईच। फोर्थ एंड फिफ्थ दे आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स बिकॉज दे कंटेन 18 एलिमेंट्स ईच। सिक्स्थ पीरियड इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट पीरियड बिकॉज इट कंटेन्स 32 एलिमेंट्स, एंड द सेवन्थ पीरियड इज इनकम्प्लीट। पीरियोडिक टेबल का कौन सा पीरियड इनकम्प्लीट है? सेवन्थ। विच पीरियड इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट पीरियड? फर्स्ट पीरियड। विच पीरियड इज लॉन्गेस्ट पीरियड? सिक्स्थ पीरियड। अब जरा मैं ब्लॉक्स के हिसाब से बात करूं, पीरियोडिक टेबल में वी हैव गॉट 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में एंटर करता है, वही ब्लॉक होता है। 2p1 है तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। इफ आई राइट 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 3s ऑर्बिटल, सो ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ग्रुप में एंटर कर रहा है, किस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, किस सबशेल में एंटर कर रहा है, वो डिफाइन करता है कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट पे ये ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करता है। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns1-2, 1-2 को 1-2 हम लोग पढ़ते हैं, बिकॉज जो पहला वाला ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे पहले वाले में 1s1, फिर 2s1, फिर 3s1, 4s1, आउटरमोस्ट शेल में इट इज लाइक दिस 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1 एंड सो ऑन। और ये सेकेंड है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2, इट इज 2s2, 3s2 outermost shell में, 4s2, 5s2, तो इसलिए इट इज कॉल्ड ns2, where n इज
द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक बात का थोड़ा ध्यान रखें, 1s2 ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट नहीं है, इट डज नॉट बिलोंग टू सेकंड ग्रुप, इट इज नॉट एन एस ब्लॉक एलिमेंट। 1s2 इज हीलियम, इट इज अ नोबल गैस बिकॉज इसका आउटरमोस्ट शेल इज कंप्लीटली फिल्ड, इट इज प्लेस्ड इन द ग्रुप नंबर 18। देन इज द पी ब्लॉक, पीरियडिक टेबल के राइट में वी हैव गॉट पी ब्लॉक, ये हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ऑन द राइट, इनको हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सब शेल। इसमें हमारे पास ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक आते हैं, ग्रुप नंबर 1, 2, 3, हियर इट इज 12 एंड देन 13 to 18, ग्रुप नंबर 13 to 18 दे बिलोंग टू पी ब्लॉक। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2NP1 to 6, जैसे 1s2 2s2 2p3, तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसमें आउटरमोस्ट शेल में 2s1 2s2 2p1, फिर 2p2 अप टू 2p6, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड NS2NP1 to 6। What is the general electronic configuration of S block elements? It is NS1 to 2. What is the electronic configuration of P block elements? NS2NP1 to 6. The general electronic configuration of S block is NS1 to 2. P block is NS2NP1 to 6. P block elements periodic table में कहाँ पाए जाते हैं? On the right side. Group number 13 to 18. Group number 13 to 18 of the periodic table, on the right side of the periodic table. D block elements, they are found in the middle of the periodic table. Group number 3 se leke 12 tak, group number 3 to 12, they are called D block elements. Inko hum log transition elements bhi bolte hain. Kis block ke elements ko transition elements bolte hain? D block ke elements ko transition elements. इनमें ग्रुप नंबर कौन से आते हैं? 3 से लेके 12 तक। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज N-1d1 to 10, NS1 और 2। जैसे अगर 3s2 है तो d उससे एक कम होगा, अगर मैं 4s3 से तो शुरू नहीं होता, इट इज 4s2 है तो d में होगा 3d1 से लेके 10 तक, 3D1, 3D2, 3D3, इस तरह से होगा NS1 या 2 और N-1D, अंदर वाला शेल, द इनर शेल, NS N-1D, उससे अंदर वाला होता है 4S 3D, 5S, exactly it is 4D, the inner shell is filled. ध्यान रखें द लास्ट एलिमेंट जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मैंने कहा डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, पर ग्रुप नंबर 12 के जो एलिमेंट्स हैं जिंक, कैडमियम और मर्करी, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं बिकॉज उनमें डी ब्लॉक इज कंप्लीटली फिल्ड। ज़्यादा डिटेल में हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। F block elements periodic table के bottom में, यहाँ पे we have got F block elements because इनमें last electron F block में enter करता है, they are also called inner transition elements। basically ये जो elements हैं वो यहाँ पे lie करते हैं, they lie here, 56 then 71, ये 57 से लेके 70 तक, they lie here और जो सेकंड है वो यहाँ लाई करते हैं, ये यहाँ लाई करते हैं, ये दोनों पीरियडिक टेबल में डी ब्लॉक के अंदर लाई करते हैं, देयरफॉर दैट्स व्हाई देयर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज N-2F1 to 14 और N-1D0 और 1NS2। अगर हमारे पास 6s है तो D5 होगा और F4 होगा,
इट इज लाइक दिस, एफ में दो कम है, एन माइनस टू एफ, एन माइनस वन डी और एन एस. दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट. इनको सबको इकट्ठा देखें जल्दी से. उससे पहले मैं बात करता हूँ मेटल्स नॉन मेटल्स की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग. अगर आप इस पीरियडिक टेबल को देखें तो ऑन द राइट वी हैव गॉट नॉन मेटल्स, इनको मैंने येलो कलर से दिखाया है. ऑन द लेफ्ट जो ब्लू कलर में हैं दे आर कॉल्ड मेटल्स, इनको हम लोग मेटल्स हैं ये सारी. और मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में ये वाले जो हैं स्टेयर्स फॉर्म में, दे आर मेटलॉइड्स. इनकी प्रॉपर्टीज कुछ मेटल्स की तरह हैं, कुछ नॉन मेटल्स की तरह हैं. लाइक ये बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलूरियम, पोलोनियम, दे आर मेटलॉइड्स. ध्यान रखें लेफ्ट पर हाइड्रोजन जो हमारे पास एस ब्लॉक का पहला एलिमेंट है, दैट इज ऑल्सो अ नॉन मेटल, वो भी एक नॉन मेटल है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं आपसे बात कर रहा था, इट इज लाइक दिस, एस ब्लॉक एन एस वन टू टू, पी ब्लॉक एन एस टू एन पी वन टू सिक्स, डी ब्लॉक एन माइनस वन डी वन टू टेन एन एस जीरो टू टू, एफ ब्लॉक इट इज एन माइनस टू एफ जीरो टू फोर्टीन एन माइनस वन डी जीरो टू टू एन एस टू. दीज आर द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. अब बच्चों बात करते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल की, हमें ग्रुप्स की. एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है, मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद ये प्रॉपर्टीज रिपीट होना शुरू हो जाती है. इसकी प्रॉपर्टीज इस एलिमेंट से मिलती होंगी, तो जब इनको एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो एक डेफिनेट टाइम के बाद, एक डेफिनेट इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होना शुरू हो जाती हैं. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी. ये जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं इट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी. द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टन रेगुलर इंटरवल्स व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी. प्रॉपर्टीज का एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होना, जब उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में हम लोग अरेंज करते हैं, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी. इसको पीरियोडिसिटी बोलते हैं. अब पीरियोडिसिटी होती क्यों है? पीरियोडिसिटी का कारण है सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिपीट होना. अब जरा याद करें, जो पहला ग्रुप था उसमें द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटरमोस्ट शेल वाज 1s1, देन इट वाज 2s1, देन इट वाज 3s1. सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होती है एक रेगुलर इंटरवल के बाद. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होती है इसलिए प्रॉपर्टीज रिपीट होती है. सो पीरियोडिसिटी होती है क्या है? सिमिलर प्रॉपर्टीज का रिपीट होना. इसका कारण क्या है? सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिपीट होना. सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होती है इसलिए प्रॉपर्टीज रिपीट होती है. दिस इज पीरियोडिसिटी एंड कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी. आप इसे नोट कर लें, व्हाट इज पीरियोडिसिटी एंड इट्स कॉज. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हों दे आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. जो रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हों उनको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं. और ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होती है इसलिए प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं. सो दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? दीज आर एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक करेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, वैलेंस. ये सारी प्रॉपर्टीज दे आर ऑल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. आज हम सिर्फ दो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, वन इज एटॉमिक रेडियस एंड अदर इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. सिर्फ दो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे. वेरी फर्स्ट इज एटॉमिक रेडियस. हमें पता है कि अगर हम लोग एटम को एक स्फीयर की तरह माने तो स्फीयर के सेंटर से जो ये वाली डिस्टेंस होती है आउटर मोस्ट इसके सरफेस की, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस. तो अगर मैं दैट इज कॉल्ड रेडियस. अब अगर मैं एटम की बात करूँ तो एटम में न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है that is called atomic radius, the distance of the outermost electron from the center of the nucleus. या मैं और precisely कहूँ the distance of the outermost shell which contains electrons, उसकी distance from the center of the nucleus is called atomic radius. उसको atomic radius बोलते हैं. पर atomic radius जैसा हमने कह दिया इतना easy नहीं होता है. हमने पढ़ा था
हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हमने ऑर्बिटल कंसेप्ट की बात की थी कि इलेक्ट्रॉन की सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन डज नॉट हैव अ शार्प बाउंड्रीज, एटम की शार्प बाउंड्रीज नहीं होती हैं, इलेक्ट्रॉन की सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मिल सकता है, देर जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, इट इज़ लाइक अ क्लाउड। जब ये वाली स्थिति है तो देर इज नो शार्प बाउंड्री, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, तो आप एटम का रेडियस कहाँ मापते हैं? रेडियस मापने के लिए देर शुड बी अ शार्प बाउंड्री, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे भी जाके जीरो नहीं होती है। तो ऐसे में हम लोग एटॉमिक रेडियस मापते हैं दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, ये दो एटम्स हैं व्हेन दे आर बॉन्डेड, तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस आप माप लीजिए, इसको आधा कर दीजिए, यू विल गेट द रेडियस, बिकॉज न्यूक्लियस इज अ शार्प बाउंड्री, ये एक शार्प पॉइंट है, और आप दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस माप लीजिए, उसका आधा कर दीजिए, दैट इज एटॉमिक रेडियस। अब इसको मापने के अलग अलग तरीके हैं, तो इसलिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस की हम बात करते हैं। वी टॉक अबाउट कोवेलेंट रेडियस, वैन डेर वाल्स रेडियस, मेटालिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इज हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का आधा, इट इज एटॉमिक रेडियस। कोवेलेंट रेडियस, वैन डेर वाल्स रेडियस, मेटालिक रेडियस, हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में पूरी डिटेल में बात की थी, यहां मैं ये बात नहीं करूंगा कि ये क्या क्या होते हैं। मैं थोड़ा सा ट्रेंड की बात करूं, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में मूव करें, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, तो यू विल फाइंड एटॉमिक रेडियस 152, 111, 88, 77, इट इज डिक्रीजिंग। तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। सोडियम 186, मैग्नीशियम 160, 143, इट इज डिक्रीजिंग। सो टू कंक्लूड वी कैन से एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, या फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड। जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। इसका रीजन ये है बिकॉज हर एक स्टेप पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, साइज कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज कम होगा, एक पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ये हमें याद रखना है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक ग्रुप में एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जब हम ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हैं, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, इट इंक्रीज। ज़्यादातर पीरियडिक प्रॉपर्टीज जो पीरियड में इंक्रीज करती हैं वो ग्रुप में डिक्रीज करती हैं, जो पीरियड में इंक्रीज करती हैं वो ग्रुप में डिक्रीज करती हैं, जो पीरियड में डिक्रीज करती हैं वो ग्रुप में इंक्रीज करती हैं। ज़्यादातर पीरियडिक प्रॉपर्टीज दे फॉलो अपोजिंग ट्रेंड्स। तो एटॉमिक रेडियस जब इधर को जाते हैं तो ये डिक्रीज होता है, जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये इंक्रीज होता है। अब इंक्रीज क्यों होता है? बिकॉज जैसे आप नीचे जाते हैं तो एनर्जी शेल इज एडेड। पहले वाले में एक शेल था, दूसरे वाले में देयर आर टू शेल्स, तीसरे वाले में देयर आर थ्री शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे, जब शेल बढ़ेंगे तो साइज भी बढ़ेगा, इट इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। मैं सेकेंड पीरियडिक प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, द सेकेंड पीरियडिक प्रॉपर्टी इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? ये एक एटम है, एटम के सेंटर में वी हैव गॉट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। अगर न्यूक्लियस से इस जो इलेक्ट्रॉन एटम में है उसको मैं निकालना चाह रहा हूँ तो मुझे इस फोर्स को तोड़ना होगा। हमें पता है इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, देर इज एन अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अगर हम थोड़ी सी एनर्जी दें तो ये इलेक्ट्रॉन इस फोर्स से बाहर जा सकता है, और जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे अगर सोडियम में से आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहें, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो इट विल बिकम सोडियम पॉजिटिव। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हुई, जो एनर्जी चाहिए है टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, किसी एटम आइसोलेटेड गैसियस एटम से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए
दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम. आयोनाइजेशन एंथैल्पी पांच फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. वन इज एटॉमिक साइज, अदर इज न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अभी एक करके बात करते हैं एटॉमिक साइज पर. अब ये दो एटम्स देखें, लिथियम और सोडियम. यहां पर जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से कम है. जब साइज बढ़ गया तो ये डिस्टेंस बढ़ गई, दिस डिस्टेंस इंक्रीजेस. अब डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, न्यूक्लियस के पास है. डिस्टेंस बढ़ गई तो ये न्यूक्लियस से दूर चला गया, डिस्टेंस ज़्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों कम हो जाएगी, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा तो इट रिक्वायर्स लेसर एनर्जी, तो कम एनर्जी चाहिए. तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी. सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज. साइज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी. यू कैन सी हियर लिथियम 519, सोडियम इज 494, पोटाशियम इज 418. जैसे जैसे साइज बढ़ा आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हुई. सो वेरी फर्स्ट फैक्टर इज एटॉमिक साइज. द सेकेंड फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज. अगर बाकी सब कुछ सेम है, ऑल अदर फैक्टर्स आर सेम, तो आप यहां देखें न्यूक्लियर चार्ज इज 1 यूनिट, हियर द न्यूक्लियर चार्ज इज 2 यूनिट. जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो यहां पे अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, यहां पे अट्रैक्शन वीक है. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगी, जब अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ज्यादा एनर्जी चाहिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी. जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी. यू सी हियर हाइड्रोजन में इट इज 1310, इट इज 2370, दैट्स अ ह्यूज इंक्रीज. सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी. इट वॉज अ सेकेंड फैक्टर. द थर्ड फैक्टर इज स्क्रीनिंग इफेक्ट. बच्चों क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, इसको अंदर के शेल्स में जितने इलेक्ट्रॉन हैं दे शील्ड इट. जो न्यूक्लियर फोर्स यहाँ तक पहुँचनी चाहिए वो पूरी फोर्स नहीं पहुँच पाती, अंदर वाले जो शेल हैं, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस फोर्स को रोकते हैं, दे शील्ड इट, दे स्क्रीन इट, दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट. अब जितना ज़्यादा यहाँ पे स्क्रीन लगाएंगे, जितनी ज़्यादा हम इस फोर्स को रोक देंगे उतनी फोर्स बाहर कम पहुंचेगी, इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान हो जाएगा. मतलब जितनी स्क्रीनिंग इफेक्ट को आप इंक्रीज करेंगे, जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन इजी निकलेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी. सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट. जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम. इट वॉज द थर्ड फैक्टर. देन इज द फोर्थ फैक्टर इज स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल होता है, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड. सो जितनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उतनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स में आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है. यू टेक द केस ऑफ नाइट्रोजन. The electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p3. You take the case of oxygen. It is 1s2, 2s2, 2p4. यहाँ पे p orbital is half filled. P में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जब 3 आएंगे तो it is half filled. जब ये half filled है तो इसकी stability ज़्यादा होगी, nitrogen में stability ज़्यादा. So nitrogen की ionization enthalpy ज़्यादा है as compared to oxygen. ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए थी पर ऐसा नहीं है, बिकॉज नाइट्रोजन में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ज़्यादा स्टेबिलिटी है. यू कैन टेक द केस ऑफ नियॉन. इट हैज़ कंप्लीटली फील्ड
पी ऑर्बिटल, ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये टेक द केस सी हियर 1300 1600 एंड इट इज 2000, देयर इज अ ह्यूज इंक्रीज। सिमिलरली यू कैन टेक द केस ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस में इट इज 1000, इट इज 998, फास्फोरस की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है एज कंपेयर टू सल्फर। रीजन इज पी ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड इन केस ऑफ फास्फोरस। ऑर्गन में आप देखें आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, ये 1200 के आसपास है, ये 1500 के आसपास है। सो जितनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे तो इंक्रीज होनी है। अगला जो फैक्टर है दैट वाज शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की शेप, पेनिट्रेशन इफेक्ट। जितना कोई ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगा उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। एस ऑर्बिटल जनरली ज़्यादा पास होता है, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ। ज़्यादा ये वाला स्ट्रक्चर नहीं, ऐसे नहीं है, मैं ये तो वैसे ही मैंने ड्रॉ कर दिया। बेसिकली एस ऑर्बिटल्स आर मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, पी ऑर्बिटल उससे कम है, डी उससे कम है, एफ उससे कम है, तो एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल है, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी एस की ज़्यादा होगी, पी उससे कम, डी उससे कम और एफ उससे भी कम। इट वॉज अनदर फैक्टर दैट इज द पेनिट्रेशन इफेक्ट, कितना डीप न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन है। ट्रेंड्स की बात करूँ मैं, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड। पर ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, इधर से इधर को बढ़नी चाहिए थी। पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, ये आप जरूर ध्यान रखें। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। रीजन इज नाइट्रोजन हैज हाफ अ फील्ड पी ऑर्बिटल। देन इज एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो आप देखिए इट इज 1300, इट इज 520, इट इज 495। जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जा रही है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। जब इधर जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रही है, इधर जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है। यहाँ जो मेन फैक्टर पाँच में से रोल प्ले करता है दैट इज एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज इधर को घटेगा तो आयनोस्थैल्पी बढ़ेगी, एटॉमिक साइज यहाँ नीचे को बढ़ेगा तो आयनोस्थैल्पी घटेगी, इधर को एटॉमिक साइज घटेगा तो आयनोस्थैल्पी बढ़ेगी। सो इट वॉज अनदर फैक्टर विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी। आई होप आपने ये दोनों पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ लिया होगा, बाकी तीन पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ का कल हम रिविजन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।